हेलो एवरीवन, दिस इज टुडे सेशन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। वी विल डिस्कस मेनली फोर इशूज। द फर्स्ट इशू, व्हाई आर इंडिया रशिया ट्रेड पेमेंट इन क्राइसिस। इन दिस इशू वी विल डिस्कस पेमेंट रिलेटेड इशूज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। सेकेंड इशू, व्हाई इज चाइना लिमिटिंग एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। इन दिस इशू वी विल डिस्कस रीजन्स एंड इफेक्ट ऑफ लिमिटिंग एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय चाइना। द थर्ड इशू इज सेंटर एडिंग मोर सर्विसेज टू आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर्स। इन दिस इशू वी विल डिस्कस सम एडिशन ऑफ सर्विसेज इन आयुष्मान भारत स्कीम। फोर्थ इशू इज स्टेट्स फेल टू गेट टॉप ग्रेड इन स्कूल एजुकेशन। इन दिस इशू वी विल डिस्कस द कंडीशन ऑफ इंडियन स्कूल एजुकेशन। एंड फिफ्थ इशू इज कमिंग वुमेन ओनली कोड फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चिंग इनिशिएटिव वुमेन ओनली कोड। वी विल डिस्कस ऑल द एस्पेक्ट ऑफ दिस स्कीम। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट इशू, व्हाई आर इंडिया रशिया ट्रेड पेमेंट ऑन क्राइसिस। व्हाट इज इशू? India continues to import oil from Russia, but payment related issues create a very big problem for India. India और Russia दोनों के बीच में oil import से related trade जो है वो continue चल रहा है, और India के सामने सबसे बड़ा जो challenge है या सबसे बड़ी problem है payment से related. We will discuss all the aspect of payment related issues. India faces two problems. First, it faces repercussion of the breaching the oil price cap of $60 a barrel limits imposed by the US and European nations as Russia offer lower discount on its trade. India के सामने यहाँ पर mainly दो problems हैं. First problem जो है वो ये है कि Russia पर US और European nation ने जिस तरह से उसके oil price का capping किया हुआ है. कोई भी कंट्री $60 पर बैरल से ज़्यादा कॉस्ट पर ऑयल वहाँ से नहीं बाय कर सकता है, और इस सिचुएशन में इंडिया को जो डिस्काउंट मिलना चाहिए वो रसिया की तरफ से डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि रसिया लॉस की कंडीशन में जा रहा है, क्योंकि उसका जो ट्रेड है वो फिक्स कर दिया गया है $60 पर बैरल के हिसाब से. वो अपने प्रॉफिट को इनक्रीज करने के लिए किसी भी कंट्री को डिस्काउंट देने की कंडीशन में नहीं है, और इंडिया को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. सेकंड, यूजिंग करेंसीज लाइक द चाइनीज युआन फॉर पेमेंट विच इंडिया हैज ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग हैज इट्स ओन जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशन एमिड स्ट्रेंड टाइज विद बीजिंग. इंडिया को ऑयल के बदले में इसको जो पेमेंट करना पड़ रहा है वो अगर रुपीज में पेमेंट करता है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस की कंडीशन होती है प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से. इस वजह से इंडिया को चाइनीज युआन की फॉर्म में पेमेंट करना पड़ रहा है. युआन एक चाइना का करेंसी है, और इस करेंसी में इंडिया को पेमेंट करना पड़ रहा है. इससे कहीं ना कहीं चाइना को प्रॉफिट भी हो सकता है, जबकि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में है. इससे कहीं ना कहीं इंडिया को और भी ज़्यादा लॉस की कंडीशन यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है. वेयर डू ऑयल इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया स्टैंड? रशिया और इंडिया का जो ऑयल ट्रेड है उसका क्या प्रेजेंट टाइम में क्या उसकी सिचुएशन है, या कितना हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. Until a year ago, most of India's oil imports came from West Asia, the US and West Africa, but today most of the oil coming from Russia. 1 year पहले की अगर हम बात करें तो most of India's oil import जो होता था वो West Asia से होता था, US से होता था, West Africa के साथ होता था, but आज की situation में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा oil import सिर्फ Russia से किया जा रहा है. In February 2023, Russia surpassed Saudi Arabia to become the second biggest exporter of crude oil to India in financial year 2023. February month, यानी इस ईयर का जो February month है, रसिया ने सऊदी अरबिया को पीछे छोड़ दिया है इम्पोर्ट के मामले में.
इट मीन सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जिसके साथ हमारा ऑयल इंपोर्ट होता था वो सऊदी अरेबिया था, और फर्स्ट नंबर पर इराक था। तो रसिया ने सऊदी अरेबिया का जो प्लेस था सेकंड इंपोर्टर के रूप में उसको पीछे छोड़ दिया है। इट मीन्स अब रसिया सेकंड प्लेस पर आ चुका है। इंडियाज इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रसिया इंक्रीज नियरली 13 टाइम्स इन 2023 टू ओवर $31 बिलियन फ्रॉम लेस देन $2.5 बिलियन इन 2021-22। इंडिया का रसिया के साथ जो इम्पोर्ट होता था 2021-22 में, ये 2.5 बिलियन के आसपास रहा है, डॉलर की फॉर्म में है। बट अगर हम इसके 1 ईयर बाद अगर कंपेयर करते हैं तो 13 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स 2022-23 में ये जो ट्रेड होता है, इम्पोर्ट जो होता है, वो $31 बिलियन तक पहुंच जाता है। जो पहले 2.5 बिलियन डॉलर था वो $31 बिलियन हो जाता है 1 ईयर के अंदर। रसिया इज नाउ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल टू इंडिया। अब अगर बात करें कि कौन सा कंट्री है जो इंडिया को सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई करता है, तो हम नाम ले सकते हैं रसिया का, क्योंकि रसिया अब लार्जेस्ट सप्लायर बन चुका है इंडिया के लिए, डिस्प्लेसिंग ट्रेडिशनल प्लेयर्स सच एज इराक, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। पहले हमारा जो इम्पोर्ट हुआ करता था, मैक्सिमम इम्पोर्ट जो हुआ करता था ऑयल का, वो इराक, सऊदी अरेबिया एंड यूएई के द्वारा होता था। इट मीन्स इराक नंबर 1 पर था, सऊदी अरेबिया नंबर 2 पर था, और नंबर 3 पर यूएई था। बट 1 ईयर के बाद ही रसिया ने ये प्लेस ले लिया है इम्पोर्ट के मामले में ऑयल का। जिस तरह से हम इम्पोर्ट करते हैं तो रसिया से हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। इन द 4 month पीरियड बिटवीन नवंबर 2022 एंड फेबररी 2023, रसिया टुक ओवर द टॉप स्पॉट फ्रॉम इराक। 4 month के टाइम पीरियड में ही, इट मीन्स नवंबर 2022 फेबररी 2023 तक का जो टाइम पीरियड है 4 month का, इस टाइम पीरियड के अंदर ही रसिया ने इराक को पीछे छोड़ दिया है हमारे द्वारा ऑयल इंपोर्ट करने के मामले में। इट मीन्स हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट रसिया के साथ कर रहे हैं। विच करेंसी इज बींग यूज फॉर पेमेंट। अभी प्रेजेंट में जो हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें किस करेंसी में पेमेंट करना होता है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आफ्टर वॉर इंड्यूस सेंक्शंस ऑफ ऑन मॉस्को, द यूएस, द ईयू एंड द यूके हैव ब्लॉक्ड मल्टीपल रशियन बैंक्स फ्रॉम एक्सेसिंग द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, अ ग्लोबल सिक्योर इंटर बैंक सिस्टम। जब से रूस पर यूक्रेन पर वॉर करने की वजह से सैंक्शंस इंड्यूस किए हैं, उसके बाद वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, इट मीन स्विफ्ट, स्विफ्ट के लिए बहुत सारे जो मल्टीपल रशियन बैंक से जो ट्रांजैक्शन होता था स्विफ्ट का, उनको ब्लॉक कर दिया गया है। क्योंकि स्विफ्ट क्या है, एक ग्लोबल सिक्योर इंटर बैंक सिस्टम है। स्विफ्ट का जो एक्सेस था मल्टीपल रशियन बैंक्स के अंदर, स्पेशली जो यूएस के अंदर सिचुएटेड हैं, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो सिचुएटेड हैं, यूके के अंदर जो सिचुएटेड हैं, इन सभी बैंक को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक करने से क्या होगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन का एक्सेस इन बैंक तक ब्लॉक हो चुका है। और स्विफ्ट क्या है, एक ग्लोबल सिक्योर इंटर बैंक सिस्टम है। फॉर बिगेस्ट ट्रेडेड गुड्स लाइक एनर्जी, रसिया ट्रांजेक्शन्स हैव ट्रेडिशनली बीन डॉलर डिपेंडेंट। क्योंकि रसिया अपने आप में एक एनर्जी का सपोर्ट, एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है, क्योंकि इसका जो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेड है वो एनर्जी से रिलेटेड है। पूरे वर्ल्ड को ये अपना एनर्जी सप्लाई करता है, और ट्रेडिशनली जो ट्रेड होता रहा है वो इसके साथ डॉलर के फॉर्म में ट्रेडिशन होता रहा है। आफ्टर इट्स ऑयल बैन बाय मल्टीपल कंट्रीज लास्ट ईयर, इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू कैप द प्राइस टू अ मैक्सिमम ऑफ $60 पर बैरल ऑफ रशियन ऑयल ट्रांसपोर्टेड थ्रू वाटर वेज। जो भी रशियन ऑयल वाटर वेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, इस पर
यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया या अदर कंट्रीज ने जो ऑयल ट्रेडिंग करने का जो प्राइस था उसको कैपिंग कर दिया है और इसको $60 पर बैरल के हिसाब से लिमिट कर दिया है। अंटिल रिसेंटली द ब्लेंड ऑफ ऑयल इंडिया वॉज इम्पोर्टिंग फ्रॉम रसिया वर लार्जली बिलो द प्राइस कैप फिक्स्ड बाय G7 कंट्रीज एंड इंडिया वॉज एबल टू पे फॉर द ऑयल यूजिंग डॉलर्स। इंडिया जो अभी करंट में इम्पोर्ट कर रहा है रसिया से ऑयल, ये जो इस पर प्राइस कैपिंग किया गया है $60 पर बैरल, इंडिया को जो अभी ऑयल मिल रहा है वो इस प्राइस कैपिंग से भी कम कॉस्ट पर इंडिया को ये ऑयल मिल रहा है। और ये जो प्राइस कैपिंग है इसमें G7 कंट्रीज का भी बहुत बड़ा रोल है इसको सपोर्ट करने में। इंडिया आज भी डॉलर की फॉर्म में पेमेंट कर रहा है बट लास्ट कुछ दिनों से ये चाइना की करेंसी युआन की फॉर्म में अपना ट्रेड पेमेंट कर रहा है। इसके बावजूद भी इंडिया ट्राई कर रहा है कि रसिया और इंडिया का जो ट्रेड है वो रुपीज़ की फॉर्म में सेटल होना चाहिए। व्हाट अबाउट द रुपी रबल मैकेनिज्म? रुपी और रबल, रबल जो करेंसी है वो रसिया की करेंसी है और रुपी इंडिया का करेंसी है, दोनों के बीच में क्या मैकेनिज्म है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडिया वॉज इन नेगोशिएशंस विद रसिया टू रिएक्टिव द रुपी रबल ट्रेड अरेंजमेंट विच इज़ एन अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म टू सेटल ड्यूज इन रुपी इंस्टेड इन डॉलर्स। इंडिया अभी भी कंटिन्यू रसिया के साथ ये नेगोशिएशन कर रहा है कि इंडिया का जो पेमेंट सिस्टम है वो रुपीज़ के फॉर्म में सेटल होना चाहिए ताकि इंडिया को भी उसका जो करेंसी है उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया जा सके और साथ में इंडिया का जो ड्रीम है रुपी को इंटरनेशनलाइजेशन करने का उसको भी कहीं ना कहीं इससे बूस्ट मिल सकता है। देर इज स्केप्टिसिज्म ऑन द रुपी रबल कन्वर्टिबिलिटी एज द रबल वैल्यू इज क्यूब्ड बाय कैपिटल कंट्रोल एंड नॉट डिटरमाइंड बाय द मार्केट एज इन द केस ऑफ रिजर्व करेंसीज। रसिया हैज ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट रुपी इज अ वॉलेटाइल करेंसी। रसिया का जो मानना है वो ये मानना है कि जो रुपी करेंसी है वो एक इसकी जो वैल्यू है वो पर डे वॉलेटाइल होती रहती है, यानी इसकी वैल्यू हमेशा अप डाउन होती रहती है। अगर रसिया को इंडिया की करेंसी की फॉर्म में ट्रेड को सेटल करना होगा तो इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस फेस करना होगा और इस वजह से ये पॉसिबिलिटी कम लग रही है कि रुपी रबल कन्वर्टिबिलिटी जो एग्रीमेंट है वो सक्सेस हो पाएंगे या नहीं। ड्यू टू द पेइंग इन डॉलर्स द अनफॉर्चुन सर्ज इन ऑयल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशियन इन 1 ईयर अलोन हैज लीड टू अ मैसिव ट्रेड डेफिसिट। क्योंकि इंडिया अभी भी कुछ पार्ट डॉलर में पेमेंट करता है और यही वजह है कि हमारा जो रसिया के साथ ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा मैसिव हो चुका है। इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद रसिया टच्ड $43 बिलियन इन 2022-23 एज इट इम्पोर्टेड गुड्स वर्थ $49.35 बिलियन वाइल इट्स एक्सपोर्ट वर एट $3.14 बिलियन 2022-23, यानी लास्ट ईयर रसिया और इंडिया का जो ट्रेड रहा है वो $49.35 बिलियन रहा है। हमने जो उस कंट्री से इम्पोर्ट किया है टोटल वो $43 बिलियन का इम्पोर्ट किया है, एक्सपोर्ट ओनली $3.14 बिलियन का हमने किया है। तो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट हम देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा मैसिव हुआ है जो कि एक गुड साइन नहीं है। इज डी डॉलराइजेशन बींग अटेम्प्टेड? क्या जो डी डॉलराइजेशन का जो बहुत सारे कंट्रीज का जो प्लानिंग है क्या उसके लिए अटेम्प्ट किए जा रहे हैं? ये डी डॉलराइजेशन अटेम्प्ट इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि जो रसिया पर कुछ प्राइस कैपिंग किया गया है $60 पर बैरल के हिसाब से, तो बहुत सारे कंट्री इसको यूएस का करेंसी की फॉर्म में वेपनाइजेशन मान रहे हैं। तो हम इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सिंस द डॉलर इज लार्जली कंसिडर्ड द ग्लोबल रिजर्व करेंसी मैनी कंट्रीज हैव सीन द यूएस सेंक्शंस एज अ वे फॉर अमेरिका टू वेपनाइज द डॉलर।
क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल रिजर्व करेंसी के रूप में डॉलर को एक्सेप्ट किया गया है। मैनी कंट्रीज जैसे कि इंडिया है या अदर कंट्रीज हैं, और भी जैसे चाइना है, इंडिया है, या फिर चाइना के नेबर कंट्रीज हैं, वो ये देख रहे हैं कि यूएस ने जो सेंक्शन लगाए हैं रसिया के ऊपर डॉलर की फॉर्म में, $60 पर बैरल का जो प्राइस कैपिंग किया है, इसको इस तरह से देख रहे हैं कि यूएस ने अपना जो डॉलर है उसको वेपनाइज की फॉर्म में एक अटैक किया है रसिया के ऊपर। दिस हैज गिवन राइज टू कंट्रीज लुकिंग एट डी डॉलराइजेशन, विच मीन्स द रिप्लेसमेंट ऑफ द यूएस डॉलर विद अदर करेंसीज एज द ग्लोबल रिजर्व करेंसी। इससे बहुत सारे कंट्रीज के माइंड में एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया है और उन्होंने डी डॉलराइजेशन का प्लानिंग किया है। साथ में ये कंट्रीज यूएस के डॉलर का कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसको ग्लोबल रिजर्व करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया जा सके। इंडिया टू हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ रोड मैप फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन रुपये टू क्रिएट ब्रॉडर एक्सेप्टेंस। इंडिया ने भी ये प्लानिंग किया है कि अपना जो रुपये करेंसी है इसका इंटरनेशनलाइजेशन किया जाए ताकि इसकी वैल्यू बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस मिल सके। द डेली एवरेज शेयर फॉर द रुपए इन ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज 1.6%, वाइल इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल गुड्स ट्रेड इज 2%। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए पर डे रुपए का जो ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज होता है वो सिर्फ 1.6% है, जबकि इंडिया का ग्लोबल गुड्स ट्रेड में जो शेयर है वो 2% है। इन रिसेंट टाइम्स इंडिया रिफाइनर्स हैव ऑल्सो सेटल्ड सम नॉन डॉलर पेमेंट फॉर रशियन ऑयल इन द चाइनीज युआन एंड यूएई दिरहम। रिसेंट टाइम में इंडिया ने डॉलर की जगह जो रशियन के साथ ट्रेड पेमेंट किया है वो या तो चाइनीज युआन में कर रहा है या फिर यूएई के दिरहम में कर रहा है। द सेकेंड इशू इज वाई इज चाइना लिमिटिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मेटेरियल्स। चाइना अपने रॉ मेटेरियल्स का जो एक्सपोर्ट है उसको लिमिट कर रहा है, स्पेशली वो मेटल्स जो चिप वगैरह में यूज होते हैं या जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो आइटम्स या मेटल्स का यूज किया जाता है उनका जो एक्सपोर्ट है उसको लिमिट करने की सोच रहा है। सो लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स रिलेटेड टू दिस इशू वाई इन न्यूज। ऑन July 3 चाइना इनिशिएट द कंट्रीज रिटेलिएटरी मूव इन द चिप वॉर। द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अनाउंस दैट इट वुड लिमिट द एक्सपोर्ट ऑन आइटम्स रिलेटेड टू गैलियम एंड जर्मेनियम। July 3 से चाइना ने रिटेलिएटरी मूव के फॉर्म में चिप वॉर स्टार्ट किया है। इट मीन्स चिप के अंदर जितने भी आइटम्स यूज होते हैं जो चाइना के अंदर से कंट्रीज के द्वारा इंपोर्ट किए जाते हैं, स्पेशली गैलियम एंड जर्मेनियम पर इसने कंट्रोल किया है, लिमिट किया है, और इसको रिटेलिएटरी मूव कहा जा रहा है। अब ये रिटेलिएटरी मूव किसके अगेंस्ट है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, स्पेशली ये यूएस के अगेंस्ट है। इट सेड दैट द कंट्रोल वर बींग इम्पोज इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो इम्पोज किए गए हैं ये कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से एक्सेप्ट किया जा रहा है कि ये नेशनल उसके जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके इंटरेस्ट में या उसको सेफगार्ड करने के लिए उसने ये एक्शन लिया है। द अनाउंसमेंट लीड टू अ स्पाइक इन द प्राइसेस ऑफ असेंशियल रॉ मटेरियल्स विद कंपनीज रशिंग टू सिक्योर दियर सप्लाईज। एक्सपोर्ट लिमिट करने की वजह से पूरे वर्ल्ड मार्केट में ये असर हुआ है कि रॉ मटेरियल स्पेशली गैलियम एंड जर्मेनियम का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। द रेगुलेशन विल बी एनफोर्स्ड फ्रॉम August 1। इसका जो रेगुलेशन होगा वो August 1 से स्टार्ट होगा। इट मीन्स ये जो एक्सपोर्ट लिमिट स्टार्ट होगी वो August 1 से स्टार्ट हो जाएगी। वट आर द कर्व्स अनाउंस्ड बाय द चाइना। चाइना के द्वारा जो कर्व्स अनाउंस किए गए हैं वो कब्ज क्या क्या है। द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रेस्ट्रिक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ टू रॉ मटेरियल्स
गैलियम एंड जर्मेनियम वुज एक्सपोर्ट ऑपरेटर्स वुड नाउ हैव टू एक्वायर अ स्पेसिफिक लाइसेंस। चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने गैलियम एंड जर्मेनियम जो कि टू रॉ मटेरियल हैं, इनका एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, और इनके जो भी एक्सपोर्टर हैं उन्हें भी अब स्पेसिफिक लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर उन्हें एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्टिंग विदाउट परमिशन वुड कॉन्स्टिट्यूट अ वायलेशन कॉलिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज। अगर कोई भी कंपनी विदाउट लाइसेंस के इन आइटम्स का एक्सपोर्ट करता है तो इसको वायलेशन माना जाएगा। इट वुड ऑल्सो भी डीम्ड अ क्राइम विद द एक्सपोर्टर बींग हेल्ड क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल। और यहाँ पर प्रोविजन कर दिया गया है कि कोई भी अगर कंपनी इन आइटम्स का विदाउट परमिशन अगर एक्सपोर्ट करता है तो उसको क्रिमिनल एक्ट डिक्लेयर किया जाएगा। वाई जो मैटर ऑफ कंसर्न, ये जो एक्सपोर्ट बैन किया है या लिमिट किया है, ये पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज के लिए कंसर्न क्यों है? गैलियम, पहले हम यहाँ पर गैलियम से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि कंट्रीज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम जर्मेनियम का यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये कंट्रीज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और कंट्रीज की डिमांड एंड सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। गैलियम इज यूज टू मैन्युफैक्चर सेमी कंडक्टर वॉरफेयर यूटिलाइज इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स मोबाइल एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड LED। गैलियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथ में जितने भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, मोबाइल सैटेलाइट कम्युनिकेशन है या LED, अगर मैन्युफैक्चर करना है तो उसके अंदर गैलियम का यूज किया जाता है। इट ऑल्सो यूज इन ऑटोमोटिव एंड लाइटिंग एंड फॉर सेंसर्स इन एवियोनिक स्पेस एंड डिफेंस सिस्टम। इसका यूज ऑटोमोटिव और लाइटिंग में भी यूज किया जाता है, साथ ही एवियोनिक यानी एरोप्लेन के अंदर जो सेंसर होता है उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। स्पेस के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं या डिफेंस सिस्टम में जितने भी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, उन सभी इंस्ट्रूमेंट के अंदर गैलियम का यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन इंडस्ट्री बॉडी क्रिटिकल रॉ मटेरियल अलायंस, 80% ऑफ द गैलियम प्रोडक्शन टेक प्लेस इन चाइना, इट इज मैटर ऑफ कंसर्न। यूरोपियन इंडस्ट्री बॉडी, एक यूरोपियन इंडस्ट्री बॉडी जिसका नाम है क्रिटिकल रॉ मेटल अलायंस, ये इसका मानना है कि गैलियम का 80% प्रोडक्शन जो होता है वो सिर्फ चाइना के अंदर ही होता है। अगर चाइना इसके एक्सपोर्ट को लिमिट कर देगा तो यूरोपियन कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चाइना ऑल्सो कमांड 60% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ जर्मेनियम। जर्मेनियम का ओवरऑल जो प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड के अंदर, उसका 60% सिर्फ चाइना के अंदर होता है। द एलिमेंट इज यूज इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स, इंफ्रारेड इमेजिंग डिवाइसेज एंड ऑप्टिकल डिवाइसेज। जर्मेनियम का यूज जो होता है वो इंफ्रारेड इमेजिंग डिवाइसेज जितना भी है उसके अंदर यूज किया जाता है। ऑप्टिकल डिवाइस के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दे आर ऑल्सो यूज इन सोलर सेल्स फॉर देयर एबिलिटी टू विदस्टैंड हीट एंड हायर एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी। सोलर सेल जो सोलर पैनल के अंदर यूज किया जाता है उसके अंदर भी जर्मेनियम का यूज किया जाता है, एंड हायर एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी। जिस तरह से सोलर पैनल के अंदर एनर्जी का कन्वर्जन किया जाता है उसके लिए जर्मेनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस तरह से सोलर पैनल का जो डिमांड है और मैन्युफैक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो इसके लिए जर्मेनियम की बहुत ज़्यादा नीड होगी और इसलिए जर्मेनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। दिस सिचुएशन अराइज अ प्रॉब्लम ऑफ रॉ मेटेरियल फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। ज़्यादातर कंट्रीज के लिए ये जो एक्सपोर्ट चाइना के द्वारा लिमिट किया गया है ये एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। द यूरोपियन कमीशन वुज इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ऑन चाइना स्टैंड एट 71% एंड 45% ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली, हैज रिकॉग्नाइज इट एज अ क्रिटिकल रॉ मेटेरियल। यूरोपियन कमीशन जो कि गैलियम और जर्मेनियम के लिए फुल्ली तरीके से
चाइना के ऊपर डिपेंड है। यूरोपियन कमीशन 71% गैलियम का इंपोर्ट चाइना से करता है और 45% जो इंपोर्ट करता है वो जर्मेनियम का करता है, और इस वजह से एक ये क्रिटिकल रॉ मटेरियल की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस आइडेंटिफाइड द टू एलिमेंट टू द क्रूशियल फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो कि इंडिया गवर्नमेंट के अंदर एक मिनिस्ट्री है, इसने आइडेंटिफाई किया है कि ये दोनों ही जो एलिमेंट हैं इंडिया के लिए बहुत ही क्रूशियल हैं, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए दोनों एलिमेंट बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। हाउ कंट्रीज रिस्पोंडेड, कंट्रीज ने चाइना के इस एक्ट को किस तरह से रिस्पोंड किया है। यूएस अपोजेज द एक्सपोर्ट कंट्रोल एंड वुड कंसल्ट इट्स पार्टनर एंड अलीज टू एड्रेस द इशू। यूएस ने इस एक्सपोर्ट कंट्रोल का अपोज किया है और यूएस अपने जो पार्टनर हैं, एलिज पार्टनर हैं, उनके साथ इस इशू को डिस्कस करेगा, डिबेट करेगा। यूएस विल एंगेज विद इंडियन एलिज एंड पार्टनर्स टू एड्रेस दिस एंड टू बिल्ड रिसलियंस इन क्रिटिकल सप्लाई चेन। यूएस का ये भी प्लानिंग है कि इंडिया और इसके जितने भी एलिज कंट्री हैं सभी कंट्रीज के साथ रिसिलियंस इन क्रिटिकल सप्लाई चेन में किस तरह से जो ये सप्लाई चेन पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस तरह से अफेक्टेड होगी उसको किस तरह से रिसिलियंस किया जा सकता है, इससे रिलेटेड यहाँ पर यूएस डिस्कस करेगा। ऑल्सो यूरोपियन कमीशन हैज़ एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंट एंड डाउट्स दैट द मूव वॉज रिलेटेड टू इनसिक्योरिटी। यूरोपियन कमीशन ने भी अपना ओपोज कहीं ना कहीं या कंसर्न एक्सप्रेस किया है, क्योंकि जर्मेनियम और गैलियम का एक्सपोर्ट लिमिट होना कहीं ना कहीं कंट्री के लिए उसका डेवलपमेंट और उसकी जो सिक्योरिटी है सभी को अफेक्ट करेगा। व्हाट इज जियो पॉलिटिकल बैकड्रॉप ऑफ दिस इशू, इस इशू का वजह क्या है, जियो पॉलिटिकल बैकड्रॉप क्या है इस इशू का, यानी ये जो चाइना के द्वारा एक्सपोर्ट को लिमिट करने का जो प्लानिंग है उसका वजह क्या हो सकता है। इन अक्टूबर 2022 द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हैड इम्प्लीमेंटेड अ सीरीज ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर्स टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट। 2022 अक्टूबर में यूएस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एक एक्सपोर्ट से रिलेटेड या एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने से रिलेटेड बहुत सारे सीरीज को इम्प्लीमेंट किया था, और यूएस का कहना था कि यूएस अपना फॉरेन पॉलिसी के इंटरेस्ट में और नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में बहुत सारे एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर रहा है। इट मीन्स अब से एक साल पहले यूएस ने भी बहुत सारे एक्सपोर्ट को लिमिट किया था, और ऐसा माना जा रहा है कि चाइना ने जो ये एक्ट अभी एक्सपोर्ट को जो लिमिट किया है वो कहीं ना कहीं उसी का रिटेलिएशन है। चाइना हैज़ यूज द सेम रीजनिंग फॉर इट्स लेटेस्ट ऑर्डर, चाइना का जो लेटेस्ट ऑर्डर है एक्सपोर्ट को लिमिट करने का, ये कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये यूएस के अगेंस्ट लिया गया डिसीजन है। द यूएस मेजर्स वर अनाउंस्ड टू रेस्ट्रिक्ट चाइनाज एबिलिटी टू ऑब्टेन एडवांस्ड कंप्यूटिंग चिप, डेवलप एंड मेंटेन सुपर कंप्यूटर्स एंड मैन्युफैक्चर एडवांस सेमीकंडक्टर्स। यूएस ने एक यहाँ पर एक उसको मानना था कि यूएस के द्वारा जो रेस्ट्रिक्शन एक साल पहले अपने एक्सपोर्ट पर लगाए गए थे उसका वजह कहीं ना कहीं चाइना जो कंप्यूटिंग चिप्स के मामले में एडवांस हो रहा था, अपना सुपर कंप्यूटर के मामले में जो एडवांस हो रहा था, और साथ में सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी में जिस तरह से चाइना तरक्की कर रहा था उसके लिए जो रॉ मटेरियल कुछ मंगाए जा रहे थे वो यूएस के अंदर से मंगाए जा रहे थे। यूएस को लगा कि चाइना हमारे रॉ मटेरियल का यूज करके इन सेक्टर्स में, कंप्यूटिंग चिप के सेक्टर में या सुपर कंप्यूटर के सेक्टर में अपने आप को डेवलप किए जा रहा है, तो इसके अगेंस्ट शायद यूएस ने अपने एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया, और अब उसी तरह से चाइना ने अपने एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया है।
US alleged China by saying that Beijing was using the items and capability to produce advanced military system. US का ये allegation था China के ऊपर कि China US के raw material और capabilities का use करके अपने military system को advance कर रहा है और साथ में ऐसे weapon making कर रहा है जो mass destruction को boost करते हैं. Improving the speed and accuracy of its military decision making, planning and logistics along with committing human rights abuse. साथ में US ने ये भी allegation लगाया था कि China अपने military decision making को boost कर रहा है और logistic के sector में और human rights से related जो भी प्रोविजन है उनका भी कहीं ना कहीं ये वायलेशन करता हुआ दिख रहा है इसके रॉ मटेरियल का यूज करके, क्योंकि इसका ये भी मानना था कि वो मास डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड वेपन भी तैयार कर रहा है. ये यूएस को एक्सेप्टेबल नहीं था और इस वजह से यूएस ने वहाँ पर अपने एक्सपोर्ट को लिमिट किया था. इन द रिटेलिएशन चाइना हैव टेकन दिस मूव टू लिमिट इट एक्सपोर्ट ऑन दिस टू आइटम्स. रिटेलेशन के फॉर्म में अगर देखा जाए तो चाइना ने भी अपने एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं लिमिट किया है. विल इट इम्पैक्ट इंडिया, क्या ये जो चाइना का जो मूव है इससे इंडिया पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, इंडिया क्या इससे अफेक्टेड होगा या नहीं. चाइनीज एक्सपोर्ट कंट्रोल आर अनएक्सपेक्टेड टू हैव अ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड इट्स इंडस्ट्री ड्यू टू द डिसरप्शन इन इमीडिएट सप्लाई चेन. चाइना का जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया के सप्लाई चेन कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही, शॉर्ट टाइम और पीरियड के लिए ही ये इम्पैक्ट होगा. इंक्रीज प्राइसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर वुड अफेक्ट द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चिप्स पोटेंशियली इम्पैक्टिंग इंडिया चिप मेकिंग प्लान. इंडिया का जो चिप मेकिंग प्लान है, क्योंकि एक्सपोर्ट लिमिट होने से जो रॉ मटेरियल है चिप मेकिंग से रिलेटेड उसका जो कॉस्ट है और अवेलेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा और अवेलेबिलिटी घट जाएगी, जिसकी वजह से इंडिया का चिप मेकिंग प्लान जो है वो अफेक्ट होगा. लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिया चिप मेकिंग प्लान एंड इंडस्ट्रीज विल डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स. अगर हम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस की बात करें इंडिया के चिप मेकिंग प्लान पर और इंडस्ट्रीज पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि चाइना का यही फैक्टर बहुत ही अफेक्टेड है. इसके लिए बहुत सारे फैक्टर भी होते हैं, जैसे इंक्लूडिंग अल्टरनेटिव सप्लाई सोर्स. इसके लिए सप्लाई अल्टरनेटिव हमें ढूंढना होगा. डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन कैपेसिटी को हमें इंक्रीज करना होगा. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लाइक इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैं उनको भी हमें इंक्रीज करना होगा. नंबर थ्री इशू इज रिलेटेड टू सेंटर एडिंग मोर सर्विसेज टू आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर. वाई इन न्यूज द आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ABHWCS program is undergoing its biggest extension of services. आयुष्मान भारत जो मिशन है ये अपने इस मिशन में कुछ सर्विसेज ऐड कर रहा है. इट मीन्स इसके अंदर पहले जो फैसिलिटी हुआ करते थे उन फैसिलिटीज को इंक्रीज किया जा रहा है. दिस प्रोग्राम हैज ग्रोन टू मोर देन 1.6 लाख सेंटर्स एंड रजिस्टर्ड ओवर 178.87 करोड़ बेनिफिशरीज इन द 5 ईयर्स सिंस इट्स लॉन्चिंग. प्रेजेंट में अगर इसका सक्सेस रेट अगर देखा जाए या फिर ये कितना ब्रॉड हुआ है तो 1.6 लाख इसके सेंटर्स ऑल इंडिया में ओपन किए जा चुके हैं. और अगर हम टोटल रजिस्टर्ड की बात करें या रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 178.1 करोड़ बेनिफिशरीज यहाँ पर रजिस्टर हो चुके हैं 5 ईयर में. विच सर्विसेज हैव एडेड, अब कौन कौन सा सर्विसेज है जो इस मिशन के अंदर रिसेंटली ऐड किया गया है. यूनियन गवर्नमेंट अंडर आयुष्मान भारत मिशन इज एडिंग सर्विसेज सच एज स्क्रीनिंग प्रिवेंशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज केयर फॉर कॉमन
एंड ईएनटी प्रॉब्लम्स, बेसिक ओरल हेल्थ केयर, एल्डरली एंड पैलेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एंड स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स, इससे रिलेटेड ये सारा जो फैसिलिटी है अब इस मिशन के अंदर पीपल को प्रोवाइड कराई जाएंगी। बड़ी आयुष्मान भारत मिशन, आयुष्मान भारत मिशन क्या है? आयुष्मान भारत ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान और नेशनल हेल्थ प्रोडक्शन मिशन और मोदी केयर वॉज लॉन्च ऑन 25 सितंबर 2018। आयुष्मान भारत मिशन की अगर बात की जाए, इसको 25 सितंबर 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। इसको हम चार नामों से जान सकते हैं। आयुष्मान भारत नंबर वन हो गया, नंबर टू प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, नंबर थ्री नेशनल हेल्थ प्रोडक्शन मिशन, नंबर फोर इसको मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता है। दिस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड्स फ्री कवरेज ऑफ अप टू ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर एट एनी गवर्नमेंट और इवन सेलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल ओवर इंडिया फॉर सेकेंडरी एंड टर्डरी मेडिकल केयर फैसिलिटीज। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ये पर ईयर पर फैमिली के लिए 5 लाख तक का कवरेज इंश्योर करती है, और जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या फिर कुछ सेलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी पीपल को मिल सकती है। और ये जो फैसिलिटीज होंगी, ये सेकेंडरी और टर्डरी मेडिकल केयर से रिलेटेड फैसिलिटी होंगी। दिस मिशन इज प्रोविजन फॉर 74 करोड़ बेनिफिशियरी फैमिलीज एंड अबाउट 50 करोड़ इंडियन सिटीजन्स। बात अगर की जाए इस मिशन के अंदर कि कितना फैमिली को ये कवर करेगा और कितने इंडियन सिटीजन को ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, लगभग 50 करोड़ इंडियन सिटीजन का टारगेट रखा गया है कि ये 50 करोड़ इंडियन सिटीजन को ट्रीट करेगा। 80% ऑफ बेनिफिशरीज बेस्ड ऑन द सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज हैव बीन आइडेंटिफाइड। इस स्कीम के अंदर जो 80% बेनिफिशरीज हैं, वो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो डाटा है उनके अंदर से सेलेक्ट किए गए हैं। इट मीन्स रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर जो सोशली और इकोनॉमिक रूप से बहुत ज़्यादा वीक हैं, उन पीपल को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है। देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली साइज, एज और जेंडर। इस स्कीम के अंदर फैमिली साइज या फिर एज या जेंडर के बेस पर कोई भी यहाँ पर भेदभाव नहीं है किसी टाइप का, यानी किसी भी एज का पर्सन, कोई भी जेंडर या फिर किसी भी फैमिली साइज का पर्सन यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रीमियम पेमेंट विल बी शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन अ स्पेसिफाइड रेशो। बात अगर एक्सपेंडिचर की जाए तो यहाँ पर ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही शेयर इसमें होगा, और ये इस स्कीम का जो टारगेट है उसको अचीव किया जाएगा। फंडिंग फॉर द स्कीम विल बी शेयर्ड 60:40 फॉर ऑल स्टेट एंड यूटीज विद ईयर ओन लेजर। स्टेट और सेंटर का जो शेयर है इसमें वो 60:40 है। 90:10 का जो रेशो है ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं और साथ में 3 हिमालयन स्टेट जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड के जो स्टेट हैं, यहाँ पर 90:10 का प्रोविजन किया गया है। 100% सेंट्रल फंडिंग फॉर यूटीज विदाउट लेजिलेजर। कुछ यूटीज ऐसी हैं जिनके पास लेजिलेजर नहीं है, उनके ऊपर 100% जो शेयर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। बेनिफिट्स ऑफ दिस मिशन, ये जो मिशन है इसके इंडिया के लिए कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं फ्यूचर में। आयुष्मान भारत मिशन स्कीम कुड एनहांस एक्सेस टू हेल्थ केयर इंक्लूडिंग अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज बाय लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु अदरवाइज कुड नॉट अफोर्ड देम। इंडिया के अंदर जो सोसाइटी का जो ग्रुप अपना जो ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता है, उस तरह के पीपल को पहले डिटेक्ट किया जाएगा, उसके बाद उनका उनके लिए ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ केयर को बूस्ट करने में एक बेटर वर्क कर सकता है। इट कुड हेल्प कंट्री मूव टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर विच इज़ वन ऑफ द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेल बींग। यूएन का जो एक टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर हेल्थ केयर से रिलेटेड
उसका जो टारगेट है, ये स्कीम कहीं ना कहीं उसको अचीव करने में भी हेल्प करेगी। द वेलनेस सेंटर्स दैट आर प्लान्ड अंडर द आयुष्मान भारत प्रोग्राम कैन प्ले अ प्रिवेंटिव रोल बाय रिड्यूसिंग द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आयुष्मान भारत के अंदर जितने भी वेलनेस सेंटर्स ओपन किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं आयुष्मान भारत प्रोग्राम के सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। जितने भी इंसिडेंस इलनेस को लेकर होते हैं और जितना भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का जो स्प्रेडिंग है या उसका इम्पैक्ट है, उसको भी रिड्यूस करने में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। द प्रपोज्ड NHPS नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम कुड बी द प्रीकर्सर टू द यूनिवर्सल इंश्योरेंस स्कीम विच विल प्रोवाइड कवर टू ऑल सिटीजन्स। NHPS ये जो स्कीम है, ये यूनिवर्सल इंश्योरेंस स्कीम को कहीं ना कहीं प्रीकर्सर करेगा और ऑल सिटीजन्स को ये एक सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। सिंस अ मेजोरिटी ऑफ फैमिलीज विल बी रूरल रूरल एंड द सेकेंडरी एंड टर्डरी पब्लिक हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर सफर फ्रॉम सीवर एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी प्रॉब्लम, स्टेट गवर्नमेंट शुड अपग्रेड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट को अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको अपग्रेड करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट जो इस स्कीम का प्रॉफिट उठाएंगे वो रूरल एरिया से बिलोंग करेंगे, और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हॉस्पिटल की जो एफिशिएंसी है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि जब रूरल सेक्टर्स है यहाँ पर पेशेंट यहाँ पर आएंगे या प्रॉफिट उठाएंगे तो उनका नंबर बहुत ज़्यादा होगा। साथ ही हॉस्पिटल की अकाउंटेबिलिटी को भी यहाँ पर बूस्ट करना होगा। अ लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट कुड बी सेटअप एंड वैलिडेटेड। इस स्कीम को अगर सक्सेस करना है तो इसके लिए हमें पहले ये इंश्योर करना होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क जो होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इस स्कीम को ऑल इंडिया लेवल पर सक्सेस करने के लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। द मोस्ट क्रिटिकल इशू रिमेंस द लिमिटेड एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एट वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, विद अप टू 40% ऑफ हेल्थ वर्कर्स पोस्ट लाइंग वैकेंट इन सम स्टेट। इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम या चैलेंज हम कह सकते हैं वो ये है कि ज़्यादातर हेल्थ वर्कर्स की पोस्ट वैकेंट रहती हैं। अबाउट 40% हेल्थ वर्कर्स की पोस्ट इंडिया के अंदर वैकेंट है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंडिया के और हॉस्पिटल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स यानी डॉक्टर्स की नीड है उसको कवर करना होगा। मोस्ट प्राइमरीली हेल्थ केयर सेंटर्स सफर फ्रॉम अ पेरेनियल शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आर विदाउट स्पेशलिस्ट। सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो हैं उनके अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, और साथ में जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स ओपन किए गए हैं वहाँ भी डॉक्टर्स की शॉर्टेज हमेशा देखने को मिलती है। नेक्स्ट इशू इज स्टेट फेल टू गेट टॉप ग्रेड इन स्कूल एजुकेशन। यहाँ पर हम इंडिया के स्कूल एजुकेशन सिस्टम का स्टडी करेंगे, और ये एक स्टडी किया गया है इंडिया के और स्कूल्स का। ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है कि टॉप ग्रेड में इंडिया का कोई भी स्कूल अपना प्लेस नहीं बना पाया है। यहाँ पर हम मैप में देख सकते हैं कि जो डार्क कलर्ड हैं, स्पेशली पहले हम इस ग्रेड कलर को देखते हैं, जितना ये डार्क होता चला जा रहा है ये उतना ही एजुकेशन सिस्टम स्टेट का ख़राब है। जैसा कि हम ग्रेड स्कोर देख सकते हैं, 941 से 1000 के बीच का जिसका स्कोर है वो जो ग्रेड होगा वो बेटर ग्रेड होगा, और लास्ट में हम देख सकते हैं जिसको 401 मार्क्स या 460 के बीच मिला है वो सबसे बैड सिचुएशन की कैटेगरी में डाला गया है। और हम इसमें नंबर ऑफ़ यूटीज या स्टेट हम देख सकते हैं कि टॉप 5 ग्रेडिंग में इंडिया का कोई भी स्टेट बिलोंग नहीं करता है। मैप के अंदर हम देखें जो रेड कलर है नॉर्थ ईस्ट साइड के, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आ रहा है या फिर
मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाला जो इलाका है, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बैड है। और बात अगर येलो कलर के देखें तो यहाँ का भी एजुकेशन सिस्टम बहुत बैड है। उसके बाद ग्रीन का अगर देखें तो यहाँ पर भी एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। यानी टॉप 5 जो कैटेगरी इसमें कलर का है वो इंडिया में कहीं भी नहीं दिख रहा है। इट मीन्स इंडिया के जो जितने भी स्कूल एजुकेशन हैं जो होना चाहिए वो क्वालिटी नहीं है। पूरे एजुकेशन सिस्टम का जो रैंकिंग है या कह सकते हैं कैटेगराइजेशन किया गया है वो ग्रेडिंग किया गया है, जिसमें फर्स्ट दक्ष के नाम से यहाँ पर ग्रेडिंग है, उसके बाद उत्कर्ष के नाम से भी यहाँ पर ग्रेडिंग है, उसके बाद अति उत्तम या उत्तम के रूप में इसको डिवाइड किया गया, उसके बाद प्रेक्षा 1, प्रेक्षा 2, प्रेक्षा 3 में इसको कैटेगराइज किया कर दिया गया, उसके बाद आकांक्षी 1, 2, 3 में इसको कैटेगराइज कर दिया गया। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके ऑल एस्पेक्ट को। वाई न्यूज, द एजुकेशन मिनिस्ट्रीज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिलीज ऑन फ्राइडे हैड 10 ग्रेड्स विद दक्ष बींग द टॉप स्कोरिंग अबाउ 940 आउट ऑफ 1000 पॉइंट्स एंड आकांक्षी 3 एट द बॉटम अप टू 460 पॉइंट्स। एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक ग्रेडिंग इंडेक्स अभी फ्राइडे यानी कल परसों ही यहाँ पर ये रिलीज किया गया है। और ये जो ग्रेडिंग इंडेक्स है वो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के रूप में हम इसको जानते हैं, PGI इसको कह सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी ग्रेडिंग है वो दक्ष है, जिसमें पॉइंट अगर बात करें 940 से 1000 के बीच जिसको पॉइंट मिला है उसको दक्ष की कैटेगरी में डाला जाएगा। इट मीन्स ये बहुत ही बेटर क्वालिटी है। और अगर सबसे बॉटम क्वालिटी को अगर देखा जाए तो उसको आकांक्षी 3 के नाम से यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। इसमें 460 पॉइंट से लोअर जिसका भी मार्क्स है या गेन किया है जिसने उसको आकांक्षी 3 के अंदर डाला जाएगा। नॉन ऑफ द स्टेट यूटी अटेंड द हाइएस्ट ग्रेड, इंडिया का कोई भी स्टेट या यूटी नहीं है जिसको हाइएस्ट ग्रेड मिला हुआ है अपने परफॉर्मेंस में। ये जो सर्वे कराया गया है ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कराया गया है। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है उसके द्वारा ये सर्वे कराया जाता है और ये एनुअल सर्वे होता है। द टॉप मोस्ट ग्रेड वॉज अचीव्ड बाय ओनली 2 स्टेट, यूनियन टेरेटरी पंजाब एंड चंडीगढ़, इन द रेंज ऑफ 461 से लेकर 700 के बीच में इसका पॉइंटिंग है। टॉप मोस्ट ग्रेड इंडिया के अंदर जो मिला है वो पंजाब एंड चंडीगढ़ को मिला। पंजाब अपने आप में स्टेट है और चंडीगढ़ अपने आप में यूटी है। और इसका अगर रैंकिंग की बात की जाए तो वो 641 जो कि बहुत ही कम है। द PGI स्कोर इज़ द एग्रीगेट स्कोर ऑफ 5 डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ स्टेट एंड यूटीज। PGI का जो स्कोरिंग किया जाता है इसमें 5 डोमेन के स्कोर को एग्रीगेट किया जाता है। अब ये 5 डोमेन जो हैं वो एजुकेशनल अटेनमेंट से रिलेटेड हैं, जिसमें नंबर 1 हम कह सकते हैं लर्निंग आउटकम्स को देखा जाता है, एक्सेस स्टूडेंट का कितना वो देखा जाता है, स्कूल बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज क्या क्या है ये देखा जाता है, इक्विटी गवर्नेंस प्रोसेस देखा जाता है, एंड टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम क्या है ये सब मेंशन किया जाता है। नॉन ऑफ द स्टेट मैनेज टू अचीव द टॉप 5 ग्रेड्स इन द रैंकिंग, रैंकिंग में टॉप 5 ग्रेड के अंदर कोई भी स्टेट अपना प्लेस नहीं कर पाया है। सिंस 2017-18 द मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज 5 एनुअल रिपोर्ट दैट प्रोवाइड इनसाइट्स ऑन स्टेटस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन स्टेट्स एंड यूटीज। 2017-18 की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ने 5 एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज की। 2017-18 के बाद अगर हम देखें तो अभी तक मिनिस्ट्री ने 5 एनुअल रिपोर्ट रिलीज की हैं, जिसमें इंडियन का जो एजुकेशन सिस्टम है हर स्टेट के अंदर यूटी के अंदर उसका स्टेटस शो किया गया था। बट एजुकेशन सिस्टम आज भी इंडिया के अंदर उस तरह से बेटर नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। 5 पैरामीटर्स ऑफ द PGI सर्वे, PGI का जो सर्वे है इसके 5 पैरामीटर कौन कौन से हैं। नंबर 1, द फर्स्ट पैरामीटर रिलेट टू लर्निंग आउटकम्स, हाउ चिल्ड्रन डू लैंग्वेज मैथ्स इन साइंस सोशल साइंस एंड सो ऑन। जो चिल्ड्रन हैं या स्टूडेंट हैं स्कूल के अंदर उनका लैंग्वेज रीडिंग करने का परफॉर्मेंस क्या है, मैथ्स में क्या परफॉर्मेंस है, साइंस के अंदर क्या परफॉर्मेंस है, सोशल साइंस का क्या परफॉर्मेंस है, ये सब इस फर्स्ट पैरामीटर के अंदर देखा जाता है। नंबर 2, द सेकंड इज एक्सेस टू एजुकेशन विच इंक्लूड नेट एनरोलमेंट रेशो रिटेंशन ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइमरी टू अपर प्राइमरी लेवल एंड सेकेंडरी एंड मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। सेकेंड पैरामीटर के अंदर ये देखा जाता है कि स्कूल के अंदर नेट एनरोलमेंट रेशो क्या है।
और रिटेंशन कितना है, ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइमरी टू अपर प्राइमरी लेवल एंड सेकेंडरी लेवल पर कितना ट्रांजिशन हो रहा है स्टूडेंट्स का, ये सब इसमें ऑब्जर्व किया जाता है। नंबर 3, द थर्ड पैरामीटर इंफ्रास्ट्रक्चर एनकंपास अवेलेबिलिटी ऑफ साइंस लैब्स, कंप्यूटर, बुक बैंक्स, वोकेशनल एजुकेशन सब्जेक्ट, सप्लाई ऑफ मिड डे मील, फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिफॉर्म्स एंड फ्री टेक्स्ट बुक। थर्ड पैरामीटर के रूप में ये देखा जाता है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और साइंस लैब अवेलेबल है या नहीं, कंप्यूटर लैब अवेलेबल है या नहीं, बुक बैंक है या नहीं, इट मीन्स लाइब्रेरी अवेलेबल है या नहीं, और साथ में मिड डे मील का प्रोविज़न कितना है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है या नहीं, और साथ में फ्री टेक्स्ट बुक का अवेलेबिलिटी है या नहीं। ये सब थर्ड पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं, पैरामीटर के रूप में हम देख सकते हैं। द फोर्थ पैरामीटर इक्विटी, कंसिडर स्टूडेंट परफॉर्मेंस बिटवीन माइनॉरिटीज, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड दोज ऑफ जनरल कैटेगरीज। फोर्थ पैरामीटर के रूप में देखा जाता है कि जो माइनॉरिटीज SC ST कम्युनिटी के जो स्टूडेंट हैं, क्या सभी के अंदर इक्विटी को ध्यान में रखकर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं या नहीं। इट रिलेट टू वेदर स्कूल हैव रेम्स, डिसएबल्ड फ्रेंडली टॉयलेट एंड सो ऑन। इस फोर्थ पैरामीटर के अंदर ये भी देखा जाता है कि क्या स्कूल के अंदर डिसेबल्ड फ्रेंडली टॉयलेट सिस्टम है या नहीं, ये सब फोर्थ पैरामीटर के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। द लास्ट पैरामीटर एजुकेशनल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, इंक्लूड डिजिटल कैप्चर ऑफ डेली अटेंडेंस, परसेंटेज ऑफ सिंगल टीचर प्राइमरी स्कूल वैकेंसीज इन एजुकेशनल पोस्ट इंस्पेक्शंस एंड टीचर इवेल्युएशन। फोर्थ पैरामीटर के रूप में एजुकेशनल गवर्नेंस देखा जाता है और मैनेजमेंट यहाँ पर देखा जाता है, साथ ही यहाँ पर डेली अटेंडेंस का कैप्चरिंग डिजिटल फॉर्म में हो रहा है नहीं, और परसेंटेज ऑफ सिंगल टीचर प्राइमरी स्कूल, टीचर का परसेंटेज कितना है स्कूल के अंदर, और साथ में ये भी देखा जाता है कि एजुकेशनल पोस्ट कितना वैकेंट है, टीचर एवेल्यूशन एंड इंस्पेक्शन का क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें इंस्पेक्शन या कह सकते हैं कि सर्वे का पैरामीटर होते हैं। द लास्ट इशू इज कमिंग वुमेन ओनली कोर्स फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सो लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स रिलेटेड टू दिस इशू। की पॉइंट्स रिलेटेड टू वुमेन ओनली कोर्स इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इस इनिशिएटिव का नेम है वुमेन ओनली कोर्स। सो लेट्स डिस्कस इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स। द यूनियन गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग एन इनिशिएटिव अंडर विच वुमेन ओनली कोर्स विल बी सेटअप एट द विलेज लेवल एज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर्म फॉर इशूज सच एज डोमेस्टिक वायलेंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स एंड टू काउंटर द पैट्रियार्कल सिस्टम। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसमें वुमेन को कहीं ना कहीं इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। विलेज लेवल पर वुमेन ओनली कोड इस्टेब्लिश ये सेटअप करने का प्लानिंग किया गया है, और ये जो कोड सेटअप की जा रही है लोकल लेवल पर जो डिस्प्यूट हैं उसको रेजोल्यूशन करने के लिए इस्टेब्लिश की जा रही हैं, स्पेशली वो इशू जो वुमेन से रिलेटेड हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, प्रॉपर्टी राइट या फिर पैट्रियार्कल सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इशूज हैं, ये मेनली वुमेन से रिलेटेड इशूज हैं, उनके लिए वुमेन ओनली कोर्ट एवरी विलेज में इस्टेब्लिश सेटअप करने का प्लानिंग है। द स्कीम विल बी लॉन्च ऑन अ पायलट बेसिस इन 50 विलेजेज ईच इन आसाम एंड जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त एंड एक्सटेंडेड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ। ये जो स्कीम है ये आसाम के ऑल विलेजेज में और साथ में जम्मू एंड कश्मीर के ऑल विलेजेज में, स्पेशली 50 विलेजेज यहाँ पर चूज किए गए हैं, उनके अंदर ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। अगस्त में इसको लॉन्च किया जाएगा और उसके 6 मंथ बाद ये ऑल कंट्री यानी हमारे ऑल इंडिया के अंदर ये इस सेटअप कर दिया जाएगा। द नारी अदालत वुमेन्स कोर्ट ऑफ ईच विलेज विल हैव 7 to 9 members, हाफ ऑफ ईच वुड बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत वाइल द अदर हाफ विल इंक्लूड टीचर, डॉक्टर एंड सोशल वर्कर्स हु वुड बी नॉमिनेटेड बाय द विलेज। नारी अदालत या वुमेन्स कोर्ट के अंदर 7 to 9 members होंगे एक कोर्ट के अंदर,
जिसमें से हाफ मेंबर जो होंगे वो ग्राम पंचायत के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर हैं उसमें से चूज किए जाएंगे, और हाफ मेंबर जो चूज किए जाएंगे वो टीचर्स, डॉक्टर्स एंड सोशल वर्कर्स जो विलेजर्स के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। इन सबके द्वारा ये नारी अदालत जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। द सर्विसेज प्रोवाइड विद इंक्लूड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड ग्रेवेंस रिड्रेसल, काउंसलिंग, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, प्रेशर ग्रुप टैक्टिक्स, नेगोशिएशन, मेडिएशन एंड रिकॉन्सिलिएशन विद म्यूचुअल कंसेंट फॉर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल जस्टिस। नारी अदालत या वुमेन्स कोर्ट का जो सर्विस प्रोवाइडिंग जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। इट मीन्स किन किन सर्विसेज को ये प्रोवाइड करा सकता है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड ग्रेवेंस रिड्रेसल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का वर्क करेगा, और साथ में जितना भी वुमेन्स का ग्रेवेंस है उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। काउंसलिंग से रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगा। प्रेशर ग्रुप टैक्टिक के रूप में वर्क करेगा। नेगोशिएशंस, मेडिएशन एंड रिकॉन्सिलिएशन का वर्क करेगा। दो पार्टीज के बीच में अगर कोई इशू चल रहा है और दोनों पार्टी चाहते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट के बेस पर या रिकॉन्सिलिएशन के बेस पर डिसीजन को सॉल्व किया जाए तो ये कोर्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। अफोर्डेबल जस्टिस प्रोवाइड कराना भी इसका एक पर्पज है। द प्लेटफॉर्म विल एंगेज विद सिटीजन्स, प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट वुमेन्स राइट, लीगल ओपिनियंस, वेरियस स्कीम एंड कलेक्टिंग पब्लिक फीडबैक। ये जो प्लेटफॉर्म है वुमेन ओनली कोर्ट वाला, ये मैक्सिमम सिटीजन्स को एंगेज करेगा ताकि वुमेन के राइट के प्रति उनमें अवेयर पैदा की जा सके, लीगल ओपिनियन उनको प्रोवाइड किया जा सके, और साथ में पब्लिक फीडबैक को कलेक्ट करना भी इसका एक पर्पज है। मेंबर्स नोन एज न्याय सखी विल बी नॉमिनेटेड और सेलेक्टेड बाय द ग्राम पंचायत। वाइल द हेड ऑफ द नारी अदालत कॉल्ड द मुख्य न्याय सखी विल बी चूजन अमंग द न्याय सखी। इसके जो मेंबर्स होंगे उनको न्याय सखी या फिर इस इनका एक जो हेड होगी वो नारी वो मुख्य न्याय शक्ति के रूप में जानी जाएगी। न्याय सखी जो होंगी वो लीगल फ्रेंड होंगी, जबकि मुख्य न्याय सखी जो होगी वो चीफ लीगल फ्रेंड होंगे। न्याय सखी का जो नॉमिनेशन होगा वो ग्राम पंचायत के द्वारा सिलेक्शन के बेस पर होगा, जबकि नारी अदालत के अंदर मुख्य न्याय सखी का जो नॉमिनेशन होगा ये उनकी हेड होगी। एक तरीके से वो न्याय सखी के अंदर जो मेंबर हैं उनके द्वारा नॉमिनेशन किया जाएगा। द टेन्योर ऑफ द हेड विल बी जनरली 6 मंथ, आफ्टर विच अ न्यू वन विल बी सेलेक्टेड। जो मुख्य न्याय सखी है उसका टेन्योर 6 मंथ का होगा, उसके बाद न्यू मेंबर को सेलेक्ट किया जाएगा। द स्कीम वुड बी रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अंडर द संबल सब स्कीम ऑफ मिशन शक्ति विच इज डेडिकेटेड टू स्ट्रेंथनिंग वुमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट। ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा रन किया जाएगा, और ये जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर एक और स्कीम है संबल सब स्कीम, ये मिशन शक्ति की एक सब स्कीम है संबल स्कीम। इसी के साथ कोऑर्डिनेट करके इसको रन किया जाएगा। इस मिशन का जो पर्पज होगा वो वुमेन की सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट को स्ट्रेंथ करना होगा। द इम्प्लीमेंट प्रोसेस विल बी डन इन कोलेबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जो होगा वो अलावा 3 मिनिस्ट्रीज के कोलेबोरेशन से होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड कॉमन सर्विस सेंटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं। इन तीनों मिनिस्ट्रीज के कोलेबोरेशन के साथ इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।